हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ अशरफ अली। मैं आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मैंने 10+2 गवर्नमेंट स्कूल से किया है, वहीं से मैं पढ़ा हूँ, आजमगढ़ से ही। फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के लिए वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। तो ग्रेजुएशन करते करते मैंने ओ लेवल करने की सोचा, तो फिर मैंने ओ लेवल में एडमिशन करा लिया। ओ लेवल कर रहा था तो उसमें मैंने देखा कि उसमें देखने का मतलब, मैं नेट चलाता था, मतलब नेट जो पढ़ता था, कभी कभी यूट्यूब पे देखता था, तो डिजिटल मार्केटिंग मतलब उसके बारे में लोग बताते थे, कहते थे कि इसमें फ्यूचर है, अपॉर्चुनिटी है, क्या है डिजिटल मार्केटिंग। तो मैंने ये जानने के लिए और उत्सुक हो गया कि मतलब क्या है डिजिटल मार्केटिंग, कौन लोग करते हैं, क्या है डिजिटल मार्केटिंग में है क्या। तो इसको जानने के लिए मैंने और मतलब अपना इंटरेस्ट जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में बढ़ा दिया। तो उसके बाद मैंने देखा कि हाँ, डिजिटल मार्केटिंग जो है एक अच्छा ही फील्ड है, एक अच्छी कैरियर है। ये जो अभी उभरती हुई अभी उभरती हुई एक युवाओं के लिए या हम लोगों के लिए, स्टूडेंट के लिए, होम मेकर है उनके लिए, प्रोफेशनल के लिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो फिर मतलब इसका जो अपॉर्चुनिटी है, फ्यूचर है, इसको देखा, मतलब मुझे अच्छा लगा। तो फिर मैंने ITI और पॉलिटेक्निक की जगह इसको करने की सोचा। तो इसको करना, अब सोचा तो ठीक है, लेकिन अब करें कहाँ से, मतलब ये भी दिक्कत थी, अब करें कहाँ से। तो फिर मैंने देखा आजमगढ़ में कोई इंस्टीट्यूट था नहीं, तो मैंने सोचा वाराणसी में होगा। तो मैंने वाराणसी में सर्च किया कि टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन वाराणसी। तो उनमें टॉप पे मतलब मुझे नज़र आया, जो टॉप 10 में थे, तो वो एक डिजी ग्लोबल सॉल्यूशन था। तो मैंने यहाँ पे सौरभ गुप्ता सर से बात की, उनसे कॉल पे बात की। तो मैंने पूछा कि आप डिजिटल मार्केटिंग कराते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने मुझे अपने इंस्टीट्यूट पर बुलाया विजिट करने के लिए, और मैं गया भी और देखा, इंस्टीट्यूट काफ़ी अच्छा था। तो उनके जो पढ़ाने का तरीका था वो भी काफ़ी बेहतरीन था, क्योंकि मैं एडमिशन कराने गया था या इंक्वायरी करने गया था, तो देखा कि वो लोगों को पढ़ा रहे थे, मुझे और अच्छा लगा। तो उसके बाद मैंने देखा सर भी काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं, और जो यहाँ पे प्लेसमेंट वाली बात है वो भी 100% हो ही जाती है। प्लेसमेंट क्या मतलब, ये जो अपॉर्चुनिटी है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग जो है इसको सीखना ही एक कला है। मतलब आप अगर सीखते हैं तो आप जॉब करें या बिजनेस करें, इसका वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर सकते हैं। हाँ, अगर जॉब करना चाहते हैं तो वो सर जो प्लेसमेंट कराते हैं तो वो हो ही जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैंने फिर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, तो देखा मतलब वो मुझे पढ़ाएं, एक दो दिन पढ़ाएं, उसके बाद मुझे और भी अच्छा लगे लगला, तो मैंने एडमिशन करा लिया। एडमिशन कराने के बाद उनकी जो पढ़ाने की स्टाइल थी वो काफ़ी अमेजिंग थी, काफ़ी अच्छी थी। उनकी जो एक एक बातें थी वो समझ में आती थी कि हाँ, ये क्या बोल रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग है क्या, इसमें और कैसे इन्वॉल्व हों। मतलब फिर मैंने धीरे धीरे डिजिटल मार्केटिंग में इन्वॉल्व होता गया होता गया, और डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी अच्छे से उन्होंने सिखा दी। तो आप अगर डिजिटल मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो आप डिजिटल मार्केटिंग जो है ये बनारस में डीसी ग्लोबल सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन वाराणसी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप आकर देख सकते हैं।